चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। मलेशियाई बाजार में तेजी के बीच कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क में कटौती से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हल्के तेलों की मांग बढ़ने से सोयाबीन, सरसों और मूंगफली तेल की कीमत मजबूत रही। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.75% की तेजी दर्ज की गई है, वहीं शिकागो एक्सचेंज स्थिर रहा है। मलेशियाई बाजार में तेजी के बीच सरकार के कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क को 280 रुपए क्विंटल घटाने के निर्णय से खाद्य तेल उद्योग को राहत मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क घटाने से इसका आयात थोड़ा बढ़ेगा, जबकि पामोलियन तेल का आयात कम होगा और यहां के उद्योग के लिए चलेंगे। बाजार में पुरानी सरसों ना के बराबर है, जिससे इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। सरसों दाने की आवक अगले 20 से 25 दिन बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस बीच कांटला डिलीवरी की कीमत $1,595 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में सरकार को घरेलू तिलहन उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे देश की खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आमदनी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।